तो दोस्तों रियलमी ने होस्ट किया हाल ही में एक टेक लाइफ इवेंट जहां पर उन्होंने नए और एग्जिस्टिंग स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत करी, उन्हें शोकेस किया और आज उन सभी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। सो डू वॉच इट टिल दी एंड। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन प्लीज रेड सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। सबसे पहले एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइनअप के बारे में बात करें तो यहां पे हमें स्मार्ट रोबोट वैक्यूम, 100 वॉट साउंड बार, एयर प्यूरिफायर, स्मार्ट स्केल और स्मार्ट लाइट जैसी चीजें देखने को मिली। ये सारे प्रोडक्ट्स यहां पर मौजूद थे और बेसिकली रियलमी ने ये दिखाया कि किस तरह एक रियल लाइफ सिनेरियो में, एक रियल लाइफ सेटिंग में ये सारे प्रोडक्ट्स काम करेंगे, कहां पे कौन सा प्रोडक्ट प्लेस किया जा सकता है और उसका क्या यूज होगा। नए स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा स्मार्ट गेटवे जो बेसिकली एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है। ये गेटवे एक स्मार्ट सेंसर के साथ कनेक्ट होगा जो लगेगा आपके दरवाजे पर। उस स्मार्ट सेंसर को आप अपने दरवाजे के बिल्कुल कॉर्नर पे प्लेस करेंगे लाइक अ स्मार्ट लैच। बेसिकली यहां पे जैसे ही आप दरवाजा खोलेंगे तो जो गेटवे है उसको एक सिग्नल मिलेगा और वो गेटवे जितनी भी डिवाइसेस हैं या जितने भी लाइट्स हैं आपके रूम में उनको स्विच ऑन कर देगा जैसे ही आप दरवाजा खोलेंगे। और जैसे ही आप दरवाजा बंद करेंगे जितनी भी लाइट्स हैं जो गेटवे के साथ कनेक्टेड हैं वो सब स्विच ऑफ हो जाएंगी, पावर कट हो जाएगा वहां पर। ये जो गेटवे है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई को सपोर्ट करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रीच मिल पाए इंटरनेट की। और यहां पर आप काफी सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं विद दिस गेटवे। और बाय द वे यहां पर हम जितनी भी चीजों के बारे में बात करेंगे वो सब आप रियलमी की जो स्मार्ट ऐप है जिससे सारे अप्लायंसेस कंट्रोल होते हैं उन्हीं से ही आप ये सारी चीजें भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपका जो पूरा स्मार्ट होम है उसे कंट्रोल करने के लिए जो रियलमी की ऐप है वही यहां पर काम आएगी। द नेक्स्ट स्मार्ट होम एक्सेसरी दैट वी सॉ वाज दिस टेम्परेचर सेंसर। बेसिकली ये टेम्परेचर सेंसर यहां पर आपके एयर कंडीशनर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। और लेट्स से आपने टेम्परेचर सेट कर दिया जो आपके घर का आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, लेट्स से दैट इज 28 डिग्री सेल्सियस। तो अगर टेम्परेचर 29, 30 या 31 तक पहुंचता है, इनफैक्ट 29 तक भी पहुंचता है, तो ये जो सेंसर है ये आपके एसी को एक्टिवेट कर देगा, ऑन कर देगा। और एसी में जैसे ही 28 डिग्री टेम्परेचर, मतलब जैसे ही आपके घर में 28 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा उसी वक्त ये सेंसर एसी को ऑफ कर देगा। सो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है। यहां पर आप अपने घर का जो पूरा टेम्परेचर है, जो एनवायरमेंट है, उसे कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सेंसर। द नेक्स्ट स्मार्ट एक्सेसरी वर दीज ग्लासेस जिनमें स्पीकर्स लगे हुए हैं। ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट आपको मिलता है, 10 मीटर की कनेक्टिविटी रेंज है। इनकी मदद से आप कॉल्स ले सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो लिसन टू म्यूजिक ऑन द गो। यहाँ पे अभी ये ग्लासेस लॉन्च नहीं हुए हैं लेकिन हम जल्दी उम्मीद करते हैं ये ग्लासेस इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। इसके अलावा हमने ये वाटर सेंसर भी देखा। ऑफ कोर्स इट इज IP68 रेटेड और इसके काफी सारे यूज केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने लगेज के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं और लेट्स से आपके लगेज पर पानी गिर गया या किसी और चीज पर जिस पर आप नहीं चाहते पानी गिरना वहां पर आपने या उसके पास आपने इस वाटर सेंसर को रख दिया और अगर गलती से वहां पर पानी गिर गया, छींटे पड़ गए वहां पर, तो ये सेंसर आपकी रियलमी ऐप पर एक अलार्म बजा देगा और आपको पता चल जाएगा कि वहां जहां ये सेंसर है वहां पर पानी गिर चुका है। इस तरह के काफी सारे यूज केसेस यहां पर हो सकते हैं। एक यूज केस बताया था रियलमी ने कि काफी सारे घरों में वाटर टैंकर होता है, हर जगह ही होता है इनफैक्ट, तो यहां पर वाटर टैंकर में ऊपर की तरफ मतलब जिस लेवल तक वो भर जाता है वहां पर आप उसको फिट कर सकते हैं सेंसर को। और जैसे ही पानी भर गया वहां पे और जैसे ही वो वाटर लेवल टच करेगा उस सेंसर को तो आपको अलार्म मिल जाएगा अपने फोन पर और तुरंत आप अपना जो मोटर है पानी की उसे बंद कर सकते हैं। बट आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि यहाँ पर वाईफाई कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, वाईफाई कनेक्टिविटी के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी सॉ दीज टू प्रोडक्ट्स। लेफ्ट पर है एक मोशन सेंसर, आई थिंक द नेम सेज इट ऑल, एंड राइट साइड पर मौजूद है रियलमी का नया स्मार्ट कैमरा। जो अभी Realme 360 कैमरा है ये उसका एक अपग्रेडेड मॉडल है। HD रेजोल्यूशन में यहां पर वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं। एज ऑफ नाउ कंपनी कहती है कि फुल HD में भी वीडियोस रिकॉर्ड हो पाएंगी। यहां पर आपको नाइट विजन का भी सपोर्ट मिल जाता है और ये वाटर रिपेलेंट भी है, तो लेट्स से आप इसे अपने स्विमिंग पूल के पास रख सकते हैं। और यहां पर नीचे आपको स्टैंड कनेक्ट करने के लिए एक छोटा सा स्क्रू होल भी यहां पर दिया गया है। तो यहां पर जिस तरह कैमरा को रखा जाता है ट्राइपॉड के ऊपर वैसा ही सेटअप आप यहां पर रख सकते हैं इस कैमरा के साथ और कहीं पे भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं।
जितनी भी फुटेज है वो सब आप अपने फोन पर देख पाएंगे, बट देन अगेन वाईफाई कनेक्टिविटी इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। और एक और चीज हमने यहां पर देखी थी जो आजकल काफी सारे ब्रांड्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, एंड दैट इज द स्मार्ट होम डोरबेल। सो बेसिकली यहाँ पे जब भी डोरबेल पे कोई टैप करेगा तो कैमरा के थ्रू आप, मतलब जो डोरबेल में कैमरा है उसके थ्रू आप फुटेज देख पाएंगे उस इंसान की जो आपके दरवाजे पर खड़ा है। वो बंदा वहां पे बात भी कर सकता है क्योंकि उस स्मार्ट डोरबेल के अंदर एक स्पीकर और माइक्रोफोन भी लगा हुआ है। आप बिना दरवाजा खोले बातचीत कर सकते हैं उस इंसान के साथ, एंड देन यू कैन ओपन द डोर और इफ यू वॉन्ट यू कैन कीप इट शट। सो ये सारी कुछ डिवाइसेस थी, स्मार्ट होम डिवाइसेस, स्मार्ट होम एक्सेसरीज जो रियलमी की तरफ से शोकेस करी गई थी। उम्मीद करते हैं कि ये सब बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होगा। स्मार्ट होम कनेक्टिविटी की तरफ बहुत जल्दी इंडिया बढ़ रहा है और अभी 5G भी आने ही वाला है। आई थिंक बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर 5G एटलीस्ट कुछ मेट्रो सिटीज में तो आ ही जाएगा, मेट्रो सिटीज के कुछ स्पॉट्स में आ सकता है, या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर हमें 5G कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे बहुत जल्दी हम एक स्मार्ट इकोसिस्टम, स्मार्ट कनेक्टेड इकोसिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या आपको ये जो मूवमेंट है, ये जो डायरेक्शन है टेक्नोलॉजी की, ये पसंद आ रही है? What are your thoughts on this? Let me know that in the comments. And if you like this video, make sure you give it a like, ताकि YouTube algorithm को पता चले कि आप सबको ये video पसंद आ रही है, ताकि video ज़्यादा से ज़्यादा recommend हो। और हमारे channel को subscribe करना ना भूलें, bell icon पे ज़रूर tap कर दें। हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नई videos के साथ। By the way, हमारे Mr. Phone Awards भी आने वाले हैं बहुत जल्दी, उनकी announcement तो actually हम already कर चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी वीडियोस आना भी शुरू हो जाएंगी हमारे इंग्लिश चैनल पर, तो इंग्लिश चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें।